उधर राजस्थान के घमासान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज साफ कर दिया है कि अब पायलट की वापसी और सुलह का कोई रास्ता बचा भी हो तो वो उसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहते हैं। पायलट के लिए उन्होंने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया उससे यही जाहिर हो रहा है कि वो आर पार के मूड में है। हम जानते थे ये निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस के अंदर संयम और सादगी की मूर्ति माने जाने वाले अशोक गहलोत को इतना उग्र शायद ही पहले किसी ने देखा होगा। कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी झगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। अंदरूनी कलह और सत्ता की फिक्र उन्हें इस कदर सता रही है कि वो खुद को लेकर सारे मिथक भूल चुके हैं। कुछ याद है तो बस ये कि अपनी राह में सचिन पायलट नाम का कांटा उन्हें हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकना है। उनके ये इरादे उनकी जुबान से साफ झलक रहे हैं। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बन आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे, मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं। गहलोत ने तो पायलट पर आर पार की जंग छेड़ रखी है, तो जयपुर के होटल में डटे उनके सिपह सालार भी इस जंग में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने पायलट पर करोड़ों का लालच देने का संगीन आरोप मढ़ दिया है। क्या 35 करोड़ की बात आई थी? 35 से ऊपर नहीं थी। 35 की आई, चिंता मत करो, 35 की रेट है। मलिंगा के आरोपों पर पायलट बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि चरित्र हनन के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पायलट ने मलिंगा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की भी तैयारी कर ली है। सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से हैं। उन पर लग रहे आरोपों पर समाज के लोग खफा हैं और 26 जुलाई को उनके समर्थन में महापंचायत बुलाई गई है, लेकिन जाति की सियासत में भी दो धड़े साफ दिख रहे हैं। कांग्रेस के गुर्जर विधायक गहलोत की जिंदाबाद कर रहे हैं। इस तरह के जो लोग हैं ये समाज कोई अनभिज्ञ नहीं है, समाज सारी चीजों को जानता है। राजस्थान में सारा खेल अब नंबर का है। पायलट खेमा गहलोत का नंबर गेम बिगाड़ने पर आमादा है, तो गहलोत को लग रहा है कि वो ऐसे या वैसे आंकड़े जुटा ही लेंगे। और वो लोग जो है बंद है, उनको बंधक बना दिया, उनमें से कई लोग आना चाहते हैं हमारे यहाँ, टेलीफोन के आ रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू निकाल रहे हैं, कोई कि मैं अपने नाई से टेलीफोन लेके बात कर रहा हूँ, मेरा टेलीफोन छीन लिया गया। दोनों खेमों में आंकड़ों की जोड़तोड़ के बीच तमाम दांव पेच भी चरम पर हैं। टेपकांड से बीजेपी को घेरने में जुटे गहलोत की पुलिस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना